बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बिकॉज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन, जो हम ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए सिंपल फार्मूला लगाते हैं, वो तो आप सबको आता है। अब सबका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको पेपर में समटाइम आ जाता है कि जी शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करें या कोडिंग मेथड लगा के आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो शॉर्टकट मेथड भी जब आप करते हो ना, जो डी का फार्मूला लगा रहे होते हो या म्यू का, जैसे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कहते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में क्या होता है, ओरिजिन में डी का फार्मूला आता है चेंज ऑफ ओरिजिन, कि जब आप एज्यूम वैल्यू ले लेते हो साथ में डी वाला फार्मूला जो है। और स्केल में हमारे पास क्या आ जाता है कि जब आपके पास इंटरवल भी इन्वॉल्व हो जाता है, ओरिजिन एंड इंटरवल बोथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब अगर तो आपके पास इक्वल इंटरवल नहीं है, आपके पास इक्वल इंटरवल नहीं है, आपको सिंपल वैल्यूज गिवन है, उनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो यू कैन यूज द शॉर्टकट मेथड डी मेथड। लेकिन अगर इंटरवल है और उन्होंने खुद कहा भी है कि आपने जी कोडिंग मेथड यूज करना है, तो फिर आप म्यू का मेथड ही यूज करोगे। अब मैं इनसे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी। सबसे पहले जो मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने के लिए, शॉर्टकट मेथड फाइंड करने के लिए, उसमें फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा की जो वैल्यूज है वो आएंगे। अच्छा, ग्रुप और अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या है। जिस तरह पहले तो मैं आपको दो बातें क्लियर करती जाऊं कि अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है और उसका इंटरवल इक्वल नहीं है, फॉर द ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा के लिए, पहले तो मैं आपको मीन फाइंड करने का मेथड बता दूं। अगर हमारे पास स्केल इंटरवल इक्वल नहीं है, तो हमने डी का मेथड लगाना है। किसका? डी का मेथड, जो कि शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर तो अनग्रुप डेटा है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन, और डी हमारे पास इक्वल होता है एक्स माइनस ए। ए हमारे पास एनी एज्यूम वैल्यू होती है, और जो हम एनी एज्यूम वैल्यू लेते हैं ना, जो आपके पास कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो अगर तो अनग्रुप डेटा। अगर तो ग्रुप डेटा है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी ना, उसके सामने जो एक्स की वैल्यूज होती है वो आपने ले लेनी है। लेकिन अगर अनग्रुप डेटा है, तो उसमें आप कोई भी वैल्यू डेटा के मिड में से ले लो, फर्स्ट वैल्यू वैल्यूज ले लो, लास्ट वैल्यू ले लो, आपका आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स एज्यूम वैल्यू होती है। ए मतलब एज्यूम वैल्यू। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि ये तो अनग्रुप डेटा के लिए हो गया। अगर ग्रुप डेटा आ रहा है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर देनी है। लेकिन ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है। अगर आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है कि आपने फाइंड करना और शॉर्टकट मेथड यूज करते हो, तो उसके लिए आप ये करोगे। लेकिन अगर आपके पास क्लास इंटरवल भी इक्वल है, बिकॉज मैं इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। अगर आपके पास इंटरवल भी इक्वल है, ठीक है, और आपको कह रहे हैं जी आपने कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए इसको फाइंड करना है, देन यू आर यूजिंग द म्यू मेथड। और इसमें भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास फॉर द अनग्रुप डेटा होते हैं, ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए आपने क्या करना है, ए प्लस सम ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच, दिस इज फॉर द अनग्रुप डेटा। अगर ग्रुप डेटा है, इट्स मीन फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व, देन दिस फार्मूला इज यूज एज लाइक, जैसे कि ये शो कर रहे हैं। म्यू हमारे पास जो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच के इक्वल होता है। अब ए हमारे पास क्या है, एनी एज्यूम वैल्यू है, एच हमारे पास क्या है, इक्वल क्लास इंटरवल है, एक्स हमारे पास वैल्यूज हैं। अब आपने देखना है, अगर तो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो हमें ग्रुप डेटा गिवन, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हमें अनग्रुप डेटा गिवन है। अब देखें स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। वो कहते हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द डेटा एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन। अब दो किस्म के डेटा दिए गए, एक जो फर्स्ट डेटा है ना, उसमें सिर्फ वाई की वैल्यूज गिवन है 3.1। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो वहां पे वाई गिवन है और वो अनग्रुप डेटा का डेटा जो है वो गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन आप कैसे फाइंड करोगे, डी के वाई माइनस ए। हमारे पास जो डी आएगा वो हमारे पास क्या होगा, y माइनस ए इज एनी एज्यूम वैल्यू। अब एनी एज्यूम वैल्यू मैंने अभी आपको कहा कि जरूरी नहीं है कि आपने मिडल वैल्यू लेनी है, आप स्टार्ट में से ले सकते हो, लास्ट में से ले सकते हो, मिड में से ले सकते हो। ये एक एज्यूम वैल्यू, एज्यूम कर रही है ना, एक वैल्यू को हम खुद ब खुद ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो वो चीज। अब यहाँ से इन्होंने एज्यूम कर लिया 90, मतलब y हमारे पास क्या आ गया, वाई माइनस 90। अब जो जो आपके पास वैल्यूज हैं, वाई की जो वैल्यू 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, जो वो आपने माइनस करते जाने, तो आपके पास डी आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो अनग्रुप डेटा है, तो फार्मूला हमारे पास विदाउट फ्रीक्वेंसी लगेगा, तो आपने सम ऑफ डी लेने जो कि 2R है,
टोटल वैल्यूज 10 है, आप काउंट करके देख ले, तो ये हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास फॉर द ग्रुप डेटा का डेटा गिवन है, जैसे कि आपको क्लास इंटरवल गिवन दे दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं, बाकी कुछ भी आपको नहीं गिवन। अब देखिए क्लास इंटरवल आपको दे दिया गया, क्लास इक्वल इंटरवल है, ठीक है, क्लासेज हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसीज हैं, अब पहले तो हमने क्लासेज देखने के जो उनका इंटरवल है वो क्या है। आप अच्छा एक और चीज भी, अगर यहाँ पे हमारे पास न्यू का मेथड लगाते हैं ना वो भी अच्छा है, बिकॉज वहां से भी हमें जो इंटरवल है इक्वल इंटरवल वो आपके पास आ जाएगा। अब इन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, इन्होंने सिर्फ जी किए हैं अप्लाई डी का फॉर्मूला केवल। अगर आप न्यू का मेथड भी यूज करते हो ना शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड, तो वो भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डी का मेथड किया है यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए। तो मैं अभी आपको उसी तरीके से डील कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, पहले डी का मेथड क्लियर कर ले, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो म्यू की करेंगे फॉर द अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा के लिए। अब देखें स्टूडेंट हमें मेन क्या चाहिए होता है, हमें एक तो डी चाहिए होता है, एक एफ चाहिए होता है। आप फार्मूले को देखो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, एफ डी का सम चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज आपको ऑलरेडी गिवन, डी आपने फाइंड करना, और एफ चाहिए और ए चाहिए। ए हमारे पास आ जाएगा जब हम डी जो है फाइंड करेंगे, बिकॉज हमने एज्यूम वैल्यू से अपनी जो तमाम ऑब्जर्वेशन है उनको माइनस करना होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे वाई की वैल्यू हमारे पास कैसे आएंगी। देखिए अगर क्लासेस गिवन है तो वाई जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज होती है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मिडल वैल्यू लेते हैं 86 प्लस 90 ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 88। इसी तरह 91 एंड प्लस 95 करना है ऐड और डिवाइड बाय 2 करना है, मिड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना। आपको मैंने जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो चैप्टर करवाया है उसमें ऑलरेडी बताया हो कि हाउ वी कैन फाइंड द क्लास मार्क, तो ये सेम वैसे यहाँ भी 96 प्लस 100 करेंगे डिवाइड बाय 2, 101 प्लस 105 करेंगे डिवाइड बाय 2, 106 प्लस 110 तो डिवाइड बाय 2, यहाँ भी सेम यही मेथड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। अब वाई की वैल्यू भी आ गई, एक्स भी आ गया, अब हमने एज्यूम वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको एज्यूम वैल्यू फाइंड करने का मेथड बताया था कि अगर फॉर द अनग्रुप डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आपको इसी भी वैल्यू जो है चूज कर लो फॉर द एज्यूम वैल्यू, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए आपको एक मेथड गिवन है कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो आपको ऑब्जर्वेशन एज्यूम वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें। अब देखिए आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज है 10, ठीक है, 10 के आगे आपके पास क्या है 98, अब 98 इसे सेलेक्ट कर लो और इसको आप क्या करो डिवाइड करो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आंसर आपका रॉन्ग नहीं आता। स्टूडेंट सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आपको एक मेथड गिवन है, इजी मेथड गिवन है तो आप उसको फॉलो करो। आपको अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन है और उसमें से आप देखो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है उसके सामने वाली ऑब्जर्वेशन आप ले लो, आप लोगे और डी में से माइनस करो तो आपके पास डी आ जाएगा। अब आपको एफ डी मल्टीप्लाई करना है जो आपको रिक्वायर्ड है माइनस फाइव आ रहा है, आप वैल्यूज पुट करो, आपके पास ए 98 है, माइनस फाइव सम ऑफ एफ डी है और 30 आपके पास टोटल सम ऑफ एफ है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 97.83 आपके पास आंसर आ जाएगा और इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट आज आपका टॉपिक था जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड जो मेरिट्स हैं अर्थमेटिक मीन के, फिर इनके तमाम जितने भी आ रहे हैं बेटिंग मीन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, म्यू का मेथड आ रहे हैं, वो तमाम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में करवाऊंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स से फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।